ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम गीता भवन आयुर्वेद संस्थान को हरिद्वार शिफ्ट करने पर सैकड़ों कर्मचारी गीता भवन के आगे धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का तर्क है कि संस्थान से किसी भी प्रकार से पर्यावरण और अन्य प्रदूषण नहीं होता है, ऐसे में संस्थान को शिफ्ट करना तर्कसंगत नहीं है। कर्मचारियों ने इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मदद की गुहार लगाई थी। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि सीएम के आदेश के बाद भी गीता ट्रस्टी अपनी इज्जत पर अड़े हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि संस्थान शिफ्ट होता है तो सैकड़ों कर्मचारियों के सामने कई प्रकार की जो परेशानी है वो खड़ी हो जाएगी। कर्मचारियों के धरने से घबराकर गीता भवन के ट्रस्टी रातों रात गायब भी हो गए। खाली इतनी है कि एक फैक्ट्री सड़न के तौर पर गीता में वर्षों से काम कर रही थी, जो प्रॉफिट में थी उसको हरिद्वार शिफ्ट कर दिया जाता है और कर्मचारियों से कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता है, न किसी तरह की वार्ता होती है। प्रबंधक वर्ग से एक बार वार्ता हुई, उसके बाद वो चले गए और एक डेढ़ महीने से कर्मचारी बैठे हैं, ना तनख्वाह है। और आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद वैसे ही ये लोग बहुत परेशान थे और इस वक्त बच्चों की फीस देने के लिए किसी भी पैसे नहीं है, भूखे मरने की हालत है, पर कोई भी ट्रस्टी या प्रबंधक इनसे बात करने को राजी नहीं है। कर्मचारियों का शोषण षड्यंत्र के तहत हमारे साथ इनकी वार्ता हुई थी कि एक हफ्ते में आपके मामले को हम बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे, पर इन्होंने एक हफ्ते के बाद यहाँ से भाग गए हैं चोरों की तरह और अब इनके खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी, कभी भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे। जैसे कि इन कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, रातों रात ट्रस्टी लोग यहाँ से फरार हो गए हैं, प्रबंधक फरार हो गए हैं इनको अधूरे में छोड़कर, और ये बहुत गलत इनके साथ किया जा रहा है कि ये बेचारे डेढ़ महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली, काफ़ी टाइम से इनके खाने के नहीं है पास इनके पास, और बहुत ये गलत तरीके से इनको धोखा देकर इस तरह से सुबिकुल भेजने की तैयारी करी जा रही है, ये गलत है। ऐसा है कि हमारा ये संस्थान 77 से यहाँ चल रहा है और ये अचानक एक साल पहले ये आवाज़ उठा था कि ये संस्थान ट्रांसफ़र हो रहा है हरिद्वार सिडकुल, तो हमने प्रबंधक को एक पत्र दिया यूनियन की तरफ से कि ये क्या कारण है कि इसको स्थानांतरण किया जा रहा है, और हमारे हितों के साथ हम आश्रम के कर्मचारी रहे हैं और हमको समय समय पर जब भी कभी जहां कहा गया, गौशाला में कहा गया, ये गीता भवन में कहा गया, सत्संग में कहा गया, बिजली में कहा गया, सफाई में कहा गया, हमारे सारे कर्मचारी जैसे जैसे प्रबंधक ने कहा वैसे वैसे काम किया। आज ये हमको बता के कि तुम आयुर्वेद संस्थान के कर्मचारी हो और ढाले के कर्मचारी हो और तुम्हें हरिद्वार जाना होगा, हमारे पर जबरन